गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बना रही हूँ मैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइस देखिए, मैंने तिल रोस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं और तिल रोस्ट हो गए हैं। तिल जब रोस्ट हो जाते हैं तो ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं और आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, ये रोस्ट हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं एक बर्तन में और करते हैं आगे का प्रोसेस। गाइस देखिए, गुड़ मैंने काट लिया है चाकू से बारीक बारीक, और अगर आप मोटा रखेंगे तो कढ़ाई में जल्दी से जल जाता है, तो बारीक करके ही आप तक कढ़ाई में से डालें। तो पिघला लेते हैं गुड़ को। गाइस जितना गुड़ होता है आपका, यानी अगर आपने 250 ग्राम गुड़ लिया है तो 250 ग्राम ही आप इसमें गुड़ डालें, तो अच्छे से लड्डू आपके बन जाएंगे। तो देखिए गाइस, गुड़ पिघल गया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि गुड़ कितना पिघलाना चाहिए। गाइस मैं चमचे से गुड़ को गिरा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि गुड़ कितना बनना चाहिए, कितना इसको पिघलाना चाहिए। तो देखिए, इसकी जो ड्रॉप गिर रही है ना, तो रुक रुक के गिर रही है और तार बन रहा है लास्ट में, तो समझ लो गुड़ तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो तेल को मैं इसी में डाल रही हूँ, कढ़ाई में यानी फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ तेल, गुड़ में मिक्स कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी कि देखो कितने अच्छे से ये लड्डू बन जाएंगे, आप देखते रहिए। गाइस देखिए, तेल को मैंने गुड़ में मिक्स कर लिया है और अब मैं इनके बनाऊंगी लड्डू, और आप देखिए आपके सामने कितने अच्छे से ये लड्डू बन रहे हैं। और ऐसे ही आप बना सकते हैं, क्वांटिटी का जरूर से ध्यान रखना और वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से ये लड्डू बने हैं। तो गाइज देख रहे हैं आप कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं, और मैं ऐसे ही सारे बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज देखिए, लड्डू बनकर रेडी हैं, और इस रेसिपी को आप भी ट्राई करना क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है और लड्डू का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गाइज तो गाइज मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।